चलिए, इसका डाउट है पेज नंबर 109 पर सेकंड पैरा। चलिए मैं पढ़ के आपको इसका मतलब बताता हूँ क्या लिखा है। लिखा है इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन। हिंस समटाइम्स द रेगुलेटरी सीक्वेंस आर loosely defined as regulatory genes, even though these sequences do not code for any RNA or protein. चलिए पहले एक बात समझिए। देखिए जो नेक्स्ट जनरेशन में जाता है कोई भी डीएनए, डीएनए का कंप्लीट का पूरा सेगमेंट चला जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन यह कहा लिखा है, क्या लिखा है, आप लाइन पढ़िए। इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर, मतलब ये करेक्टर जो यहाँ बन रहा है नेक्स्ट जनरेशन में करेक्टर क्या बनेगा, इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंसेस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। याद कीजिए ये एक डीएनए हुआ करता था। इसमें मान लीजिए यहां से यहां तक वाला सेगमेंट क्या सिस्ट्रॉन है। ठीक है भाई, लीजिए ये क्या सिस्ट्रॉन है, पूरा ये सिस्ट्रॉन है, एक सिस्ट्रॉन अगला सिस्ट्रॉन, और उसमें ये रहा प्रमोटर पार्ट, ये रहा टर्मिनेटर, और ये रहा स्ट्रक्चरल जीन, और ये रहा प्रमोटर, अगेन हियर प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, मुझे बताइए, ठीक है नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा तो डीएनए पूरा का पूरा, लेकिन वो भी पूरा नहीं, पता है ना, लास्ट वाला सेगमेंट थोड़ा सा रेप्लिकेट नहीं होता, बता रखा है डीएनए रेप्लिकेशन में भी, दोनों में थ्री डेज एंड पर शॉर्टनिंग होता है। ठीक है, तो ये बोला इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर। मुझे एक बात बताओ, कैरेक्टर क्या चीज से बनता है? कैरेक्टर बार बार आप लोगों को सिखा रहे, कैरेक्टर प्रोटीन से बनता है, कैरेक्टर हमेशा प्रोटीन से बनता है, और प्रोटीन किससे बनता है, एमआरएनए से बनता है। एमआरएनए में टीआरएनए और आरआरएनए आके हेल्प करता है उसको, तब उससे बनता है प्रोटीन। मुझे को बात बताओ, ये जो एमआरएनए बना, एक एमआरएनए ये रहा, एक एमआरएनए ये रहा, ये इस प्रमोटर और जीन से अफेक्टेड होगा कि नहीं होगा? अगर नेक्स्ट जनरेशन में मान लीजिए पूरा का पूरा जीन जाना था, और तुमको पता है कि वो एक सीक्वेंस होता है पूरा का पूरा, और डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान ऐसा कुछ गड़बड़ी हुआ कि प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन का अरेंजमेंट बिगड़ गया, या आया ही नहीं कोई पर्टिकुलर सेगमेंट, कहते हैं ना डीएनए रेप्लिकेशन में अगर गड़बड़ी हो गया तो बताओ फिर ये पर्टिकुलर एमआरएनए, अगर मान लो यही पे इस प्रमोटर और इस स्ट्रक्चरल जीन में हेरफेर हो गया, गड़बड़ी हो गया, जो सीक्वेंस इधर आना था प्रमोटर के लिए नहीं आ पाया, तो बताओ अब ये पूरा जीन ही बेकार हो गया कि नहीं हो गया? डीएनए तो चला जाएगा वहां पे, या फिर मान लो प्रमोटर आया स्ट्रक्चरल जीन नहीं आया, तो प्रमोटर क्या कर लेगा आगे, कंटिन्यू किसको करेगा? कुल मिला के एमआरएनए वाला बेकार हो गया, इससे बनने वाला प्रोटीन नहीं बनेगा, इससे बनने वाला करेक्टर नहीं बनेगा, कहने के करेक्टर के इनहेरिटेंस को प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन का अरेंजमेंट अफेक्ट कर ही रहा है, क्योंकि रेगुलर प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं, और यूकेरियोट्स में गैप दे दे कि ऐसे कई सारे सिस्टम होते हैं, तो यही बात को लिखना था, अब आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। इनहेरिटेंस ऑफ अ करेक्टर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सिक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन जो लगातार होते हैं उसका लगातार वाला अरेंजमेंट कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, अगर प्रमोटर में थोड़ा हेरफेर हुआ तो स्ट्रक्चरल जीन कोई काम का नहीं, और प्रमोटर एज इट इज रह गया, स्ट्रक्चरल जीन ही गायब हो गया, तो क्या करेगा प्रमोटर? इनहेरिटेंस अफेक्टेड होगा। हिंस समटाइम्स द रेगुलेटरी सीक्वेंसेस आर लूजली डिफाइंड एज रेगुलेटरी जीन, इसीलिए कई बार ये जो रेगुलेटरी अरेंजमेंट है प्रोकैरियोट्स की बात कर रहा है कि वहां पर कई सिस्टम जो आपस में रेगुलर मैनर में अरेंज होता है उसको रेगुलेटरी जीन कहते हैं, अदरवाइज इसको भी आप रेगुलेटरी जीन कह सकते हैं, ये सिस्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक है ना, इसको भी आप रेगुलेटरी जीन कह सकते हैं। बाकी रेगुलेटरी जीन आपको और ज्यादा क्लियर होगा जब हम आपको पढ़ाएंगे रेगुलेशन ऑफ जीन। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है ना, कई सारा जीन आपस में रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं, वो आएगा उसमें। ठीक है, इवन दो दिस सिक्वेंसेज डू नॉट कोड फॉर एनी आरएनए और प्रोटीन, ये बोला ना हमने रेगुलेटरी सिक्वेंसेस के बारे में, यहाँ पे जब आपको बताएंगे जीन एक्सप्रेशन, जैसे एक जीन सेगमेंट है यह कुछ काम कर रहा है, लेकिन अगला वो जीन एक्सप्रेशन में भाग ले रहा है लेकिन कोई प्रोटीन नहीं बना रहा है, तो अगर आप इस लाइन के एनसीईआरटी के इस लाइन को लेकर अगर आप रेगुलेटरी सीक्वेंसेस को
समझने का बात करेंगे रेगुलेटरी जीन को, तो ये बात अभी आपको समझ में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने अभी आपको ऑपेरॉन नहीं बताया। ऑपेरॉन बताऊंगा ना, वहां पे बताऊंगा रेगुलेटरी जीन क्या होता है। तो इस लाइन को छोड़ो, इस लाइन को पकड़ लो कि इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर इज अफेक्टेड बाय प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर जीन, कैसे अफेक्ट होगा मैंने बताया। बाकी रेगुलेटरी जीन का अरेंजमेंट किस हिसाब से होता है ये ऑपेरॉन पढ़ने के बाद समझ में आएगा। और बोलो, और कोई डाउट है? नो सर। निशा एनसीईआरटी पढ़े थे? निशा यस सर। कोई डाउट है? नो सर। फुटावा वीडियो देख लिए थे? यस सर। ज्योति कोई डाउट है एनसीईआरटी में? नो सर। रिवा? नो सर। चलिए अच्छी बात है। तो देखिए अब आप सेंट्रल डोगमा को अगर फॉलो करें, देखिए इधर ध्यान से सुनिए। सेंट्रल डोगमा में क्रिक बोलते थे कि डीएनए से डीएनए होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, पढ़ चुके हो आप ये सर नो? डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, पढ़ चुके हो आप ये सर नो? अच्छा बाद में बाल्टीमोर और टेमिन ने क्या बोला कि आरएनए से भी डीएनए बनता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मैंने क्या कहा, इसका ज्यादा डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, और जितना को बात थोड़ा डिटेल में है वो हम आपको कहाँ पढ़ाएंगे, एचआईवी में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा देंगे एचआईवी में, ठीक है? पूरा मैकेनिज्म थोड़ा सा है, बाकी डिटेल नहीं आपके सिलेबस में। तो कुल मिला के आप अभी आरएनए तक का कहानी पढ़ चुके हैं, ये सुनो आरएनए कैसे बनता है ये सब आप पढ़ चुके हैं। अब अगर आप सेंट्रल डोगमा में आगे बढ़ेंगे तो क्या है जल्दी बोलो, अब है आगे ट्रांसलेशन, ये सुनो। अरे ये बताया था ना सेंट्रल डोगमा का कंसेप्ट, तुमको ये टास्क मिला कि उस टाइमिंग में तुम पूरा सेल करोगे, पूरा सेल नहीं तो रिप्रोडक्शन में जब डिवीजन वाला बात आएगा ना, तुमको कैसे होता है, कैसे होता है डिवीजन, इसीलिए 10 दिन का समय सफिशियंट है। मॉर्निंग वाला बैच 10 दिन के लिए ऑफ किया गया है, ठीक है? नून वाला अरे भाई, अरे यार पहले वो मॉर्निंग था ना तो उल्टा पुल्टा हो रहा है बार बार, ठीक है? अब वो नून हो चुका है, ठीक है भाई? मतलब वो वाला बैच बंद किया गया है नून में जो अभी चल रहा है। तो जो है कि उसका जो है आपको 10 लेक्चर में पूरा सेल मेकअप कर लेना है, चाहे आप जैसे भी करें, ठीक है? और ये ज्योति और रिभा यस सर, 10 दिन का समय दिया गया है, हम कोई एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे, सर मेकअप नहीं हो पाया, सर ई नहीं हो पाया। अरे 10 दिन मेरा दोनों चैप्टर बचा हुआ है तो। अरे भाई साहब 10 दिन में अगर आप देखो स्टार्ट कर दी बहाना, आप 10 दिन बहाना नहीं हूं, अगर आप 10 दिन में करना चाहोगे ना, सुनो मेरी बात, क्लास का जो स्पीड होता है ना रिकॉर्डेड में वो स्पीड आप बढ़ा सकते हो। क्लास में मैं जिस स्पीड से बोल रहा हूँ आप इससे अधिक स्पीड से सुन नहीं पाओगे, लेकिन अगर आप चाहोगे रिकॉर्डेड में यूट्यूब पे स्पीड 1.5 गुना करके आराम से मेरा लेक्चर सुन सकते हो, इतना आराम आराम से पढ़ा। और आप चाहोगे 10 दिन में पूरा मेकअप कर सकते हो अगर आप मन से चाह लोगे तो। आप मन में पहले ही बैठा चुके हो कि हमसे नहीं हो पाएगा 10 दिन में, क्या आपको 1 महीना का समय दे दें, 1 महीना छुट्टी कर दें, संभव है? बोलिए, आप ट्राई तो कीजिए भाई, आप ट्राई तो, आप अगर 10 दिन में 2 चैप्टर है, आपको बता रहा हूँ क्या कीजिए, सभी लोग सुनिए, 10 दिन में 2 चैप्टर है ना, जो पोर्शन आपका काम आएगा रिप्रोडक्शन में वो पोर्शन कहाँ तक का है सुनिएगा। सेल चैप्टर जो स्टार्ट हुआ है, सेल चैप्टर स्टार्ट होते होते मैंने पहले सेल वॉल पढ़ाया है, फिर सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया है, उसके बाद न्यूक्लियस पढ़ाया है, उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट पढ़ाया है, फिर मैंने इस चैप्टर को होल्ड करके इसी को कंटिन्यू किया है सेल डिवीजन में, क्योंकि इस पूरे कंसेप्ट का, इस पूरे टॉपिक का कंसेप्ट जो है सेल डिवीजन में यूज होता है, इसलिए मैंने आगे के ऑर्गेनली रोक के सेल डिवीजन पढ़ाया। आप अगर 10 दिन में यहां तक भी कर लेंगे ना ये वाला पूरा पोर्शन, इसके आगे जो फिर कंटिन्यूटी में मैंने किया है राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, वो अभी आप नहीं भी करेंगे, वो अगर आप दशहरा दिवाली की छुट्टी में भी कर लेंगे तो चल जाएगा काम, समझ रहे हो? तो ये वाला पोर्शन,
जहां तक सेल डिवीजन वाला पोर्शन 10 दिन में बच्चा आराम से कर सकता है अगर आप बहाना नहीं बनाएंगे तो। ये हम लोग भी पढ़ाई करते थे, ठीक है, अंदर से जुनून होना चाहिए कि हमको पढ़ाई करना है, तो आप मेकअप कर लेंगे। अंदर से आप सोचेगा कि अब हमको उतना दो दो चैप्टर है तो कैसे होगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो आप मन से सोचिएगा तो हो जाएगा। रिभा सुन रहे हैं? यस सर। 10 दिन में यहाँ तक कर लो कंटिन्यूटी में। हमारा नर्वस सिस्टम का 2 घंटा का क्लास चलता था, 2-2.5 घंटे का क्लास, उस 2-2.5 घंटे में डेली सेल का लेक्चर देखोगे यार आराम से होगा 10 दिन में। बहाना मत बनाओ यार, तुम लोग बहाना बनाते हो, आराम से 10 दिन में होगा। चलिए तो हाँ, मैं यही बोल रहा था, ये मुझे अचानक से इसलिए याद आया क्योंकि भाई ये सब कंसेप्ट जो है ना, डीएनए आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, ये सब कंसेप्ट आपको और क्लियर हो जाएगा यदि आपको सेल का नॉलेज रहेगा, ठीक है, और रिप्रोडक्शन में भी सब चीज काम आता है। चलिए तो मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ा दिया भाई डीएनए आरएनए बनने की प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस ट्रांसलेशन पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। जैसे मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन डिटेल में पढ़ाया है ना, वैसे मैं आपको ट्रांसलेशन डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले आज और कल हम कुछ और पढ़ेंगे। कह रहे हैं क्या पढ़ेंगे भाई, यहाँ इकोनॉमिक्स पढ़ने तो नहीं आए, क्या पढ़ेंगे? देखिए समझिएगा मेरी बात, आप अपने आप अभी एक टॉपिक का नाम बोल दीजिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो बात बताइए, ये जो डीएनए था, अरे था ना जी डीएनए का, अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रैंड बनाए, कौन वाला जल्दी बोलो, 3-5 वाला, तो बताइए इसमें इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में था, न्यूक्लियोटाइड का कोड था कि नहीं था, यस और नो, न्यूक्लियोटाइड का कोड था कि नहीं था? अच्छा, यही कोड ट्रांसफर होता था किस पे, आरएनए में, आरएनए 5-3 रिएक्शन में बन जाता था, यस और नो? यही कोड जो है रिवर्स मैनर में आगे यहाँ पे ट्रांसक्राइब होता था, तो आप ट्रांसक्रिप्शन कहते थे प्रोसेस। अब एक एक कोड से एक एक अमीनो एसिड लाना है, इसके सामने एक अमीनो एसिड, इसके सामने एक अमीनो एसिड, इसके सामने एक अमीनो एसिड, इसके सामने एक अमीनो एसिड और इसके सामने एक अमीनो एसिड, मतलब एक एक कोड जो है एक एक अमीनो एसिड को रीड कर करके सामने लाएगा, तब जाके पूरा स्ट्रक्चर प्रोटीन बनेगा। तो क्या आपके मन में कभी ना यार सर इस कोड के बारे में थोड़ा बातों को डिटेल में बताइए, कि कोडेड लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा, डीएनए कैसे बोल दिया आरएनए को तुम ये बनो, आरएनए कैसे बोल दिया कि फलाना अमीनो एसिड आएगा? और अब एक बात गौर कीजिएगा, आप बायोमोलिक्यूल पढ़ सकते, आपको पता है याद की डेंसिटी की वो लाइन याद आ रहा है कि एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन से 2 महीने में डिफरेंट होता है, याद आ रहा है? एक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, हेलो, और एक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, याद आ रहा है? और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड मैंने आपको कहा था, अगर मान लिया जाए 10 अमीनो एसिड का चेन है और 2 चेन है ऐसा पॉलीपेप्टाइड, तो जरूरी नहीं दोनों सेम प्रोटीन हो, डिफरेंट भी हो सकते, स्ट्रक्चर तो किस बात पे डिपेंड करता है, मैंने बताया था फोल्डिंग वगैरह, लेकिन एक 10 पॉलीपेप्टाइड का चेन दूसरे 10 पॉलीपेप्टाइड से डिफरेंट हो सकता है, सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि सीक्वेंस डिफर कर रहे हैं। अरे कौन डिसाइड करता है सीक्वेंस? ये कोड, ये कोड, ये एमआरएनए का कोड। एमआरएनए का कोड कौन तय करता है? डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रक्चर। तो क्या आपको ये कोडेड लैंग्वेज समझने में इंटरेस्ट नहीं है? बिल्कुल होना चाहिए, एनसीईआरटी ने बहुत कंसाइज वे में दिया रखा है, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि देखिए ये चीजें आपको आज ही हम जो पढ़ाएंगे आपको आज ही क्लियर होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज में कभी भी प्रोफेसर आपको नहीं बताएंगे जेनेटिक कोड का मीनिंग क्या होता है, कैसे समझते हैं इस लैंग्वेज को, वो तो हमेशा जेनेटिक कोड की लैंग्वेज में आपसे बात करेंगे, वो बोलेंगे यूए आप समझना प्रोलीन, अब ये यूए क्या है समझ में नहीं आया, वो बोलेंगे सीसीसी आप समझना, अच्छा उल्टा बोल दिया, वो बोलेंगे यू आप समझना फिलाइन एलिनिन, वो बोलेंगे सीसी आप समझना प्रोलीन, वो बोलेंगे ट्रिपल जी आप समझना ग्लाइसिन, वो बोलेंगे ट्रिपल ए आप समझना लाइसिन। भाई कैसे चल रहा है लैंग्वेज, ये कोडेड लैंग्वेज ही तो है, वो कुछ और बोल रहे हैं आप कुछ और समझ रहे हो। एक्चुअली सेल के अंदर ऐसा ही लैंग्वेज चलता है, सेल के अंदर जो भाषा है बहुत मतलब कि हिडन वे में लैंग्वेज चलती है, डी एन ए अपना लैंग्वेज किसी को नहीं बताना चाहता, केवल एमआरएनए को बताना चाहता, वो भी डायरेक्टली नहीं बताना, और एमआरएनए भी अपना लैंग्वेज किसी को बताता नहीं है, उसको वो अपना लैंग्वेज से काम कर देता है, वो तो अपने लैंग्वेज से अमीनो एसिड को सामने ला के खड़ा करता है। हाँ अब प्रोटीन बन गया, प्रोटीन डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करने लगता है, एंजाइम बनके, तो हम ट्रांसलेशन बाद में पढ़ेंगे,
हम डीएनए से आरएनए बनने तक का प्रोसेस देख लिए, अब आरएनए से प्रोटीन बनने तक का प्रोसेस देखना, चाहे तो हम ये भी पढ़ा सकते हैं पूरा मैकेनिज्म, लेकिन उस मैकेनिज्म में कई बार हम आपसे कोडेड फॉर्म में बात करेंगे, कोडेड फॉर्म में हम आपसे लैंग्वेज में बात करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, हम बोलेंगे दीदी वहां पे आ जाएगा ग्लैसी, आपको समझ में नहीं आएगा कोडेड लैंग्वेज कैसे चल रहा है, तो आपको कोडेड लैंग्वेज सेल के अंदर की मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की एक कोडेड लैंग्वेज आपको समझ नहीं होगी, इसीलिए हम आज एक हेडिंग डाल के आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी ने भी पढ़ाया आपको, उस टॉपिक का नाम है जेनेटिक कोड, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में कोडेड लैंग्वेज, किसी ने पहली बार तो इसका किसी को तो पहली बार इस बात का अंदाजा लगा होगा कि सेल के अंदर लैंग्वेज सीधी नहीं है, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं और आप कोई बात समझ रहे जो हम आपको बोल रहे हैं, सेल के अंदर ये लैंग्वेज नहीं चलता है, सीआईडी देखो, सीआईडी देखो ना, बोलता कुछ और है, समझता कुछ और, सामने वाला वैसे चलता है सेल के अंदर लैंग्वेज, इसको बोलते हैं जेनेटिक कोड लैंग्वेज, और पूरे सेल में इन सारी लैंग्वेज को समझने में सबसे ज्यादा होशियार आ रहा है, डीएनए भी अपना लैंग्वेज सेपरेट रखता है, एमआरएनए भी अपना लैंग्वेज सेपरेट रखता है, लेकिन दोनों ही के ही सेक्रेट लैंग्वेज को आरआरएनए समझता है, टीआरएनए भी समझता है, और एमआरएनए पर लिखी होती है लैंग्वेज। अब आप बोलोगे सर आपने जेनेटिक कोड से समझा रहे हो, कौन सा कोड, यहाँ वाला या यहाँ वाला? देखिए कोड दोनों ही जगह होता है, डीएनए पे भी होता है, आरआरएनए पे भी होता है, सॉरी एमआरएनए पे भी होता है, कोड कोड को रीड करता है आरआरएनए टीआरएनए, कोड होता कहाँ है, डीएनए पे भी होता है और आरआरएनए पे भी, एमआरएनए पे भी होता है। सर ये कोड किस चीज का बना, आप बताओ, आपके घर में वो होगा क्या कहते हैं ट्रॉली बैग होगा, अरे ट्रॉली बैग होगा ना, उसमें जो लॉक होता है कभी क्यों लॉक, उसको कोडेड लॉक होता क्यों, कभी वो 1 2 3 ए बी सी डी वाला होता क्यों, कितने लोग किए वो लॉक ट्रॉली बैग, मैंने अपने ट्रॉली बैग में आज तक उसको लॉक ही नहीं किया है, ठीक है, मुझे समझ में नहीं आता कैसे कैसे, डर लगता है कि लॉक हो जाएगा, खुलेगा नहीं तो क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा, तो उसमें देखना आप कोड किस फॉर्म में रहता है, डिजिट के फॉर्म में, राइट, डिजिट के फॉर्म में रहता है ना, या तो 1 2 3 4 या तो अल्फाबेट के फॉर्म में, ए बी सी डी, और तो कुछ नहीं होता वहां पे, अक्कर बक्कर तो लिखा नहीं होता, तो इस न्यूक्लियोटाइड चेन में चाहे आरएनए हो या डीएनए हो, इसमें कोड किस फॉर्म में है, इसमें कोड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के फॉर्म में, तीन तीन न्यूक्लियोटाइड मिलकर डिसाइड कर रहा है कोड क्या होगा, मतलब कोड ट्रिपलेट है, तीन तीन कोड, जब डीएनए और आरएनए हो दोनों पर ही कोड है, डीएनए ने अपने कोड को इनडायरेक्ट वे में आरएनए को लिख के दे दिया, दोनों पर ही कोड है। अच्छा ये कोड किस चीज को डिसाइड कर रहा है फाइनली, चाहे ये कोड हो या ये कोड हो, इसने अपने कोड को यहाँ ट्रांसफर किया इनडायरेक्ट, और ये कोड डिसाइड कर रहा है कि फलाना अमीनो एसिड नंबर वन आएगा, मतलब ये कोड और ये कोड दोनों ही इसी अमीनो एसिड के लिए कोड है, चाहे डीएनए का हो चाहे इस एमआरएनए, लेकिन आपको जो कोड पढ़ाई जाती है आगे हायर लेवल तक की, इसी कोड के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, इस कोड के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता, ये भी तो कोड ही है, तीन न्यूक्लियोटाइड का एक कोड है सर, ये कोड के बारे में इसलिए नहीं पढ़ाया जाता, डीएनए कभी भी डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं होता, तो हमें कभी भी डायरेक्टली डीएनए का लैंग्वेज पता ही नहीं चल सकता। अगर हमें डीएनए के इस कोड को पता करना है तो हम इस अमीनो एसिड से पहले इस कोड का पता करेंगे और इस कोड को पता करके इस कोड का पता करेंगे, इसीलिए आप लोगों को केवल इस एमआरएनए का ही कोड पढ़ाया जाता है, अदरवाइज कोड होता डीएनए पर भी है, हाँ कोड डीएनए पर भी है, और वो भी केवल 3 to 5 डेस्क पे, क्योंकि प्रोटीन केवल उसी से बनता है। अब बोलोगे सर एक बात बताइए, हम अगर चाहें तो डीएनए के 5 to 3 डेस स्टैंड का भी कोड पता कर सकते हैं, उस पर भी कोड है, बिल्कुल सही बोल रहे आप, अगर आप 3 to 5 डेस का ट्रिपलेट पता कर लिए, उसके सामने वाला 5 to 3 वाले का ट्रिपलेट पता नहीं कर लोगे, कितने लोग समझ गए मैंने क्या बोला, कितने लोग समझ गए मैंने क्या बोला, अगर आप इससे इसका कोड पता कर लिए और इससे इसका कोड पता कर लिए, तो इससे आप इसका कोड आराम से पता कर लोगे, लेकिन आपके लेवल पे इस कोड और इस कोड का कोई यूज ही नहीं है, कोई नहीं बोलता आपको इस कोड के बारे में, है नहीं कोई यूज ही नहीं है इस कोड का, सभी कोड इस कोड का यूज करते हैं, और सेल के अंदर ज्यादा लैंग्वेज यही चल रहा है, हाँ लेकिन ये लैंग्वेज भी चल रही है, ये लैंग्वेज चलेगी नहीं तो फिर ये बनेगा कैसे, तो कुल मिला के आज मैं आपको जेनेटिक कोड पढ़ाने वाला हूँ, आज और कल,
तो बच्चे जेनेटिक कोड का कंसेप्ट थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आया ना तो आपको ट्रांसलेशन नहीं समझ में आएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ। और बोर्ड का और नीट का दोनों का फेवरेट सवाल है जेनेटिक कोड, दोनों का फेवरेट टॉपिक है, छोटे छोटे सवाल होते हैं, पूछ लेता हूँ ऑब्जेक्टिव। और बोर्ड में पहले जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता था तो एक लंबा सा लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता था, व्हाट डू मीन बाय जेनेटिक कोड डिस्क्राइब इन डिटेल। अगर शॉर्ट में आता तो ये पूछ देता जेनेटिक कोड फलाना कोड क्या रीड करेगा। ठीक है, आइए अब हम जेनेटिक कोड का थोड़ा लेते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो अब देखिए जेनेटिक कोड में ज्यादातर पोर्शन जो है थ्योरेटिकल है, डायग्रामेटिक कुछ नहीं है इसमें। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन ज्यादा करूँ, क्योंकि थ्योरेटिकल बातें डायग्रामेटिक चीजें लिखने में मजा आता है, थ्योरेटिकल बातें कितना लिखेंगे टाइम वेस्ट होगा। तो एक्सप्लेन करेंगे हम आपको ज्यादा से ज्यादा आपके नोटबुक से। ठीक है, लिखने का टाइम बचेगा तो हम चीजों को ज्यादा समझेंगे। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको जेनेटिक कोड आपके सामने लाता हूँ और एक एक करके आपको मैं उसकी पूरी कहानी सुनाता हूँ। आप लोग नोट्स नहीं देखेंगे, जब मैं अंडरलाइन करूंगा तब आप देखेंगे। ठीक है, मैं खुद अंडरलाइन करके बता दूंगा, देखो ये मैंने बताया है, नोट्स मत देखना, मैं आपको कहानी के फॉर्म में सुना रहा हूँ, सुनते चलिए। देखिए जब मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स स्टडी स्टार्ट हुआ, आपको पता है डीएनए वगैरह ढूंढ लिया गया तो स्टडी आगे चलेगा, तो साइंटिस्टों के मन में डाउट आने लगा आखिर सेल के अंदर की लैंग्वेज क्या। तो पहले वो साइंटिस्ट थे गॉर्ग गेमो को भी कुछ नहीं बोला, देखो नाम लिखा है जॉर्ज गेमो। ठीक है, तो इन्होंने ही पहली बार जेनेटिक कोड का कंसेप्ट किया था, इन्होंने ये टर्म यूज किया है जेनेटिक कोड। सेल के अंदर कोड होता है, डीएनए पर होता है और आरएनए पर होता है, एमआरएनए पर, लेकिन इन्होंने केवल और केवल थ्योरेटिकल बात किया, प्रैक्टिकल कोई बात इनके पास नहीं। बाद में इसी बात को जो थ्योरेटिकली जेनेटिक कोड के बारे में जॉर्ज गेमो ने बताया, इसी बात को बाद में प्रैक्टिकली प्रूफ किया है तीन लोगों ने, एक मिथाई, एक नीरेनबर्ग और एक हरिगोविंद खुराना, एचजी खुराना। ये हमारे भारतीय साइंटिस्ट हैं, बहुत इनका कंट्रीब्यूशन है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, बहुत सम्मान दिलाते हैं भारत को। इनका आप वर्क पढ़ोगे ना आप एक्साइटेड हो जाओगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में रिसर्च करने, बहुत सम्मान दिलाए इन्होंने भारत मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के। तो ये तीनों साइंटिस्ट, हालांकि तीनों इंडिपेंडेंटली वर्क किए हैं, तीनों का साथ में एक साथ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन तीनों का एक ही फील्ड में कंट्रीब्यूशन है, क्या? जेनेटिक कोड को प्रैक्टिकली प्रूफ करना। जॉर्ज गेमो ने जो बातें बोली बिल्कुल सही बात थी, लेकिन उनका प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन उनके पास नहीं था। अलग अलग समय पर मिथाई, नीरेनबर्ग, खुराना, इन लोगों ने प्रैक्टिकली बातों को प्रूफ किया, इसकी जेनेटिक कोड की एक्टिविटी को बताया। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि जेनेटिक कोड का टर्म किसने दिया, जेनेटिक कोड बात टर्म किसने दिया, आंसर इज जॉर्ज गेमो। लेकिन इसकी एक्टिविटी को बाद में प्रूफ किसने किया, डिस्कवर किसने किया इसकी एक्टिविटी को, तो तीनों का नाम आएगा, नीरेनबर्ग, मिथाई और खुराना। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, आप इंडिया में नीट का एग्जाम देते हो सकता है वो पूछ दे, विच इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर द एक्टिविटी ऑफ जेनेटिक कोड, तब आंसर नीरेनबर्ग और मिथाई नहीं जाएगा, ये इंडियन साइंटिस्ट नहीं थे, इंडियन साइंटिस्ट थे हरिगोविंद खुराना, कई बार इसको एचजी खुराना लिखते हैं, हरिगोविंद खुराना नाम से पता चला भारतीय साइंटिस्ट है। अब बात आई कि सर जेनेटिक कोड को डिफाइन कैसे करें, आप ही लोग बोलो कैसे डिफाइन करोगे। अरे एक कोड है, किस चीज का कोड है भाई, न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ कोड, कहां पाया जाता है, डीएनए पे भी और एमआरएनए पे भी। तो आप बोलोगे कि जेनेटिक मटेरियल, इन जेनेटिक मटेरियल डीएनए, आप जानते हो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल डीएनए, इन जेनेटिक मटेरियल हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन आर प्रेजेंट इन कोडेड फॉर्म, और वो कोड न्यूक्लियोटाइड का बना, जो डीएनए में कोड है इंफॉर्मेशन है वो कोडेड फॉर्म में, और वो कोड न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। अब आप जेनेटिक कोड को डिफाइन कीजिए, जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक सिक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बिल्कुल सही बात है, इन डीएनए या एमआरएनए नॉट टीआरएनए आरआरएनए, वो तो कोड को रीड करता है, कोड है कहाँ, एमआरएनए या डीएनए दोनों में,
विच स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड, अभी समझाया था सर डीएनए में कोड वही कोड है, हमारे नहीं पाएगा वही कोड पर्टिकुलर अमीनो एसिड को रीड करेगा, विच स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड ड्यूरिंग पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन, पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन। तो डीएनए और एमआरएनए पर एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड का खास सीक्वेंस जो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ही स्पेसिफाई करता है प्रोटीन सिंथेसिस के, वो जेनेटिक कोड है। बोले सभी लोगों को समझ में आ गया जेनेटिक कोड आखिर क्या है, व्हाट इज जेनेटिक कोड, सभी लोगों को समझ में आ गया? लड़की पार्टी, हाँ चलिए। अब मन में ये आ रहा था पुराना है वो जॉर्ज गेमो साहब के मन में ही आ रहा था, ये कोड कितने न्यूक्लियोटाइड का बना होगा। आज के डेट में आप बराबर 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 करते बोलते रहते हो कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट, लेकिन उस टाइम तो किसी को पता नहीं था ना भाई, तो सुनना ध्यान से। उन्होंने पता लगाया, किसने? गेमो ने। ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, उधर कॉपी में कोई नहीं देखेगा, इधर सुन। रिभा बताओ टोटल अमीनो एसिड कितने प्रकार के जो प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं, टोटल प्रोटीनेसियस अमीनो एसिड? हाँ बोलिए। 20 टाइप का होता है। ठीक है रिभा, टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने हैं 4 टाइप्स के? अब कोई बोलेगा सर 5। अरे एक डीएनए में या एक आरएनए में, या डीएनए में बोले या आरएनए में, 4 ही टाइप का होगा, क्योंकि अगर डीएनए में थायमिन होगा तो आरएनए में यूरासिल होगा, इसलिए मैं टोटल न्यूक्लियोटाइड इन अ न्यूक्लियोटाइड चेन लो लिख देता हूँ। एक न्यूक्लियोटाइड चेन में टोटल 4 ही प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि या तो वो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, ठीक है, 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड होंगे। ठीक है अब समझना मेरी बात। इसी बात को सोचकर खुराना साहब ने मन में सोचना स्टार्ट किया, सारी बातें थ्योरेटिकल उन्होंने की, उन्होंने सोचा कि अच्छा 20 अमीनो एसिड, ठीक है, और हर अमीनो एसिड को एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड रीड करता है, तो एटलीस्ट 20 न्यूक्लियोटाइड होगा तब समझ में आएगा, एटलीस्ट 20 टाइप का कोड, सॉरी एटलीस्ट 20 टाइप का कोड होना चाहिए, एटलीस्ट बोला, एटलीस्ट 20 टाइप का कोड होना चाहिए तब सारे अमीनो एसिड रीड कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा 20 टाइप का कोड होता है, ये तो बारे में उनको समझ में आया। पहले वो क्या सोचे ना कि अच्छा 4 टाइप का न्यूक्लियोटाइड है, अगर मान लिया जाए एक एक न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि नाम क्या है उसका जल्दी बोलिए, जैसे आरएनए यूरासिल गुआनिन एडेनिन और साइटोसिन, अगर एक एक न्यूक्लियोटाइड एक एक अमीनो एसिड को रीड करे तो बताइए टोटल कितना अमीनो एसिड रीड हो पाएगा? 4 तो रीड हो जाएगा, 16 बच जाएगा, इस 16 को कौन रीड करेगा भाई, ये 16 का प्रोटीन बनाने में नहीं आएगा। तो उन्होंने सोचा यहाँ से जेनेटिक को ट्रिपलेट नहीं हो सकता, सॉरी जेनेटिक को सिंगलेट नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं सिंगलेट मानता हूँ जेनेटिक कोड आर सिंगलेट, मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड कोड है, तो 4 ही न्यूक्लियोटाइड है, तो 4 ही अमीनो एसिड रीड हो पाएगा, 16 तो बच गया भाई, क्या 16 भाग नहीं लेते प्रोटीन में तो पाए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं सिंगलेट का कंसेप्ट नहीं चलेगा। कितने लोगों को समझ में आ गया सिंगलेट का कंसेप्ट पॉसिबल नहीं? कितने लोग समझ गए सिंगलेट का कंसेप्ट पॉसिबल नहीं? चलिए तो सिंगलेट का कंसेप्ट यहीं पे रिजेक्ट हो गया, सिंगलेट का कंसेप्ट रिजेक्ट हो गया। फिर उन्होंने ही सोचा मन में डबलेट हुआ तो, मतलब दो दो न्यूक्लियोटाइड मिलकर कोड बनाए तो। अच्छा चलिए चलिए निशा आप ही बताइए, आपके सामने 4 कोड है, अगर मैं इसको डबलेट मतलब लेटर को मतलब कि एक कोड में 2 न्यूक्लियोटाइड को यूज करूं तो टोटल कितने कोड बन जाएंगे? इन्हीं 4 लेटर को यूज करना है, इन्हीं 4 न्यूक्लियोटाइड को यूज करके कोड बनाना है डबलेट, कितने कोड बनेंगे? निशा 32 नहीं बनेंगे, 16 बनेंगे। बनाइए एक बार यू के साथ, आप यू को यू ही रखिए, यू के साथ जी रखिए, और यू के साथ ए रखिए, और यू के साथ सी रखिए, फिर ऐसे ही जी के साथ जी रखिए, जी के साथ यू रखिए, जी के साथ सी रखिए, और जी के साथ ए रखिए, ऐसे ही इसके साथ और ऐसे इसके साथ, 4 4 4 4 टोटल 16 जेनेटिक कोड पॉसिबल है। अब बताइए क्या 16 जेनेटिक कोड सफिशियंट है 20 अमीनो एसिड को रीड करने के लिए? बोलिए
नहीं, यहां से उनको समझ में आ गया कोड डबलेट भी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम डबलेट मानते हैं तो हमें टोटल 16 कोड मिल जाएगा, 16 कोड मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, मैंने आपके सामने लिख के दिखाया, तो 20 में से 16 को तो रीड कर लिया जाएगा, चार फिर भी बच जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं ज्यादा हो जाए तो चलेंगे काम, कोड रखा हुआ रहेगा या फिर कई सारे कोड एक ही अमीनो एसिड को रीड कर ले, लेकिन एक कोड एक से अधिक अमीनो एसिड को रीड नहीं करता, ये बात वो पहले ही मान चुके। उन्होंने कहा तब तो 20 कोड मिनिमम चाहिए चाहिए, यहां से डबलेट का भी कंसेप्ट रिजेक्ट हो गया। बोलिए डबलेट और सिंगलेट कैसे रिजेक्ट हुआ, समझ में आया, सभी लोग बोलिए, फिर से बोल दे रहा हूं कि अगर सिंगलेट मान के चलोगे तो टोटल चार ही कोड मिलेगा, और चार कोड से 20 टाइप का अमीनो एसिड स्पेसिफाई नहीं हो सकता, क्योंकि एक कोड एक ही अमीनो एसिड रीड करता है, सिंगलेट कंसेप्ट गया। ऐसे ही अगर आप डबलेट मानोगे तो टोटल कोड आता है 16, वो भी सफिशियंट नहीं है। तो यहां से खुराना साहब ने एक फार्मूला बना, उन्होंने कहा कि अगर मुझे टोटल पॉसिबल कोड बताना है, क्या बताना है भाई, सुनो ध्यान से, टोटल पॉसिबल कोड बताना है तो एक्स की पावर एन फार्मूला लगाइए। कह रहे हैं ये एक्स क्या है, उन्होंने कहा ये एक्स तो क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल न्यूक्लियोटाइड, ठीक है सर जी, हमारे पास चार ही न्यूक्लियोटाइड है, और एन क्या है कि आप एक कोड में कितना न्यूक्लियोटाइड मानना चाहते हो। सुनना ध्यान से, अगर मेरे पास टोटल पॉसिबल न्यूक्लियोटाइड चार ही है, आपको बताया मैंने यही चार है, चार ही है, तो अगर मैं सिंगलेट मानता हूं यानी कि एक कोड में एक न्यूक्लियोटाइड मानता हूं तो चार की पावर वन इक्वल टू चार कोड बनाएंगे मेरे पास, फॉर्मूला देख लो। अगर मैं मानता हूं नहीं एक कोडोन में दो न्यूक्लियोटाइड, तो बताओ टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, चार ही है, न्यूक्लियोटाइड तो चार ही है, चार की पावर दो, दो क्यों लगाया, क्योंकि अब हम मान रहे हैं कि ये दो कोड मिलके, दो न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोड बनाएंगे, तो 16 कोडोन आ जाएंगे मेरे पास, ये भी सफिशियंट नहीं है और ये भी सफिशियंट नहीं है, यानी कि डबलेट और सिंगलेट का कंसेप्ट यहां से रिजेक्ट हो गया। अरे ठीक है, समझ में आया सभी को, जल्दी बोलिए। चलिए अब अगला उनके दिमाग में आया कि जेनेटिक कोड आज ट्रिपलेट, अब आप ट्रिपलेट जब बनाओगे, जैसे अभी आपने डबलेट बना लिया ना आसानी से, ट्रिपलेट बनाने में आपको बड़ा तामझाम लगेगा। तब जॉर्ज गेमो साहब ने क्या किया, एक मैथमेटिक्स का टॉपिक आता है, नाम भूल गया मैं, सिमुलेशन ऐसा नाम करके कोई टॉपिक है मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी वगैरह के साथ पढ़ाया जाता है, स्टैटिस्टिक्स में भी है वो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, ट्यूबुलर फॉर्म में स्टडी चलता है, मैं आपको टेबल दिखाता हूँ कैसे, प्रोबेबिलिटी टाइप का ही होता है वो टॉपिक, इस टाइप का टेबल बना के वहां पर प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है, संभावनाएं, हालांकि वो संभावनाएं कन्फर्म होती है, ठीक है। तो सिमुलेशन कहते हैं सर उसको मैथ में, कोई भी टॉपिक मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने उस टॉपिक का इस्तेमाल किया टोटल पॉसिबल जेनेटिक कोड निकालने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक बोर्ड बनाया, चेकर बोर्ड उसी टॉपिक में आता है जो मैथ का टॉपिक मैंने बोला, वो उसमें चेकर बोर्ड में आप चारों डायरेक्शन भी यूज कर सकते हो, दो डायरेक्शन, तीन डायरेक्शन, तो इसमें उन्होंने क्या किया, तीन डायरेक्शन यूज किया, ऐसे ऐसे बनाया, सुनेगा ध्यान से, ऐसे एक बोर्ड बनाया, इसमें चार डायरेक्शन होता है ना, एक दो तीन चार, एक डायरेक्शन उन्होंने छोड़ दिया, फिर क्या किया उन्होंने इस टेबल को, मतलब इस जो उन्होंने यहाँ पे बोर्ड बनाया, इस बोर्ड को ऐसे इधर से चार सेगमेंट में डिवाइड किया, ठीक है, और इधर से भी चार सेगमेंट में डिवाइड किया, ठीक है। मैंने पहले ही कहा तीन डायरेक्शन को उन्होंने यूज किया, एक डायरेक्शन को छोड़ दिया। तो उन्होंने क्या किया, इस डायरेक्शन में हर कॉलम के पास एक एक न्यूक्लियोटाइड लिखा जो पॉसिबल थे, UCAG, मैंने कहा ना आरएनए वाला कोड पढ़ेंगे, इधर भी लिखा UCAG, लेकिन इस डायरेक्शन में हर कॉलम में चार चार कोड लिखा UCAG, ऐसे UCAG, ऐसे ही UCAG और ऐसे ही UCAG, और तब उन्होंने यहां से टोटल पॉसिबल कोडोन लिखना स्टार्ट किया। बोले यहाँ यू है, यू है, यहाँ यू है, यू है, यहाँ यू है, यू है, ये देखो, ऐसे ही फिर बोला UUC, ऐसे ही बोला UUA, ऐसे ही बोला UUG, ऐसे उन्होंने सारे बोर्ड भर दिए। जब सारे भरे तो उनको यहाँ पे टोटल 64 कोड मिले होंगे, कितने लोगों को समझ में आ गया सर, 64 कोड मिले होंगे, जल्दी बोलिए।
ये 64 कोड 20 अमीनो एसिड को रीड करने के लिए सफिशिएंट। यहां से ट्रिपलेट कोड का कंसेप्ट आता है, इसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं हम नेक्स्ट मीटिंग में। चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, ये मीटिंग समाप्त होने वाला है।